हेलो स्टूडेंट्स, एवरीवन गुड मॉर्निंग्स स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 5A को पढ़ेंगे। 5A में स्टूडेंट जो है आप लोग को कुछ आइडेंटिटीज़ मैं दे रहा हूँ, फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं। चलते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 5F की ओर। एक्सरसाइज 5F बनाने से पहले स्टूडेंट जो है कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या इसको पढ़ेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अभी जो है आपका क्वेश्चन 1 और 2 फार्मूले पर ही बनेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जो स्टूडेंट याद रखना है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 5A की ओर। क्वेश्चन नंबर इसका राइट डाउन द स्क्वायर ऑफ 1 का फर्स्ट आपको दिया गया p प्लस 5। 1 का जो है फर्स्ट है पी प्लस 5 का दिया गया है। तो इसको क्या करना है, राइट डाउन द स्क्वायर। इसका क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो ये आपका पी प्लस 5 का होल स्क्वायर इस स्ट्रक्चर पर गया। पी प्लस 5 का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर गया। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर हमारा क्या है? पी है। तो ए की जगह पर हम पी लिख देंगे। इसका स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2। ये आपका पॉइंट जैसे ये मल्टीप्लाई का साइन है 2। ए आपका क्या है? पी। बी आपका क्या है? 5 प्लस बी स्क्वायर। बी की जगह पर क्या है? 5। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस 2, 5 जा 10 पी। अब 5 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जा 20। तो 5 2 जा 10 मत कर देना, 5 जा 25। तो इस 20 जो है आपका जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये ओपन हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट में देखते हैं हम लोग, ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 9m, फोर्थ पार्ट है 9m प्लस 1/4। तो 9m प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी इसका फॉर्मूला इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला ही है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ठीक, 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ए आपका क्या है? 9m है। ए की जगह पर क्या है? 9m है। तो 9m हम रखेंगे यहाँ पर, 9m का स्क्वायर प्लस 2। ए आपका क्या है? 9m। बी आपका क्या है? 1/4 प्लस बी आपका 1/4 का ये होल स्क्वायर। तो 9m को दो बार करेंगे, 9 जा 81, m का स्क्वायर, 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया। तो 9m अपॉन 2m प्लस 1/4, 4 जा 16, 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, सिक्स पार्ट इसका बात करेंगे। सिक्स पार्ट में है 2y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर। तो ये भी आपका इसका स्क्वायर करना है, 2y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूले होते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो a आपका क्या है? 2y। तो a की जगह पर हम क्या रखेंगे? 2y का जो आपका जगह पर है वही आपको रखना है। स्क्वायर 2 है तो 2, a आपका क्या है? ये आपका a है। तो a की जगह पर हम पूरी चीज़ लिखेंगे। b आपका 5z स्क्वायर है, तो 5z स्क्वायर। b की जगह पर क्या है? 5z, 5z स्क्वायर इनका होल स्क्वायर। अब देखिए 2y स्क्वायर को हम दो बार लिखेंगे, तो क्या होगा? 2 जा 4 हो गया।
और वाई कितना हो जाएगा, वाई भी फोर हो जाएगा, प्लस टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी, एक वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसका फाइव को दो बार करेंगे, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, जेड का पावर फोर। ये स्टूडेंट्स ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम एक हम नाइन की बात करेंगे, नाइन पार्ट टी माइनस थ्री, तो टी माइनस थ्री का होल स्क्वायर, तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए इसमें क्या है टी, ए की जगह पर हम टी रख देंगे, माइनस है तो माइनस टू, ए आपका क्या है टी, बी आपका क्या है थ्री, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है थ्री, बी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टी, थ्री थ्री जा नाइन। ये हो गया स्टूडेंट। अब हम थर्टीन की बात कर रहे हैं, एक्स के पावर थ्री दिया हुआ है, माइनस वन बाई एक्स के पावर थ्री, तो ए माइनस बी का ये होल क्यूब ही होगा, एक ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पर ये बनेंगे, तो ए की जगह पर क्या है आपका एक्स के पावर थ्री है, इनका हमने स्क्वायर किया माइनस टू ए, ए आपका क्या है, ए आपका एक्स के पावर थ्री, बी आपका वन बाई एक्स के पावर थ्री, प्लस बी आपका क्या है वन बाई एक्स के पावर थ्री, इनका ये स्क्वायर, तो एक्स थ्री टू जा सिक्स, माइनस ये एक्स क्यूब कट गया, तो टू प्लस वन बाई एक्स थ्री टू जा सिक्स। तो ये स्टूडेंट जो है आपका ये हो गया, क्वेश्चन नंबर वन जो है आपका कंप्लीट हो गया। हम सेकंड की बात कर रहे हैं, सिंपलीफाई, क्वेश्चन नंबर टू है, सिंपलीफाई है, सिंपलीफाई का फर्स्ट है एक क्यूबिक बी माइनस एक्स वाई क्यूबिक का होल स्क्वायर, तो ए क्यूबिक बी माइनस एक्स वाई क्यूबिक का होल स्क्वायर, तो यह कौन किस फॉर्मूले पर जा रहा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला नहीं भूलेगा स्टूडेंट, ये आपका क्या है, इतना जो है आपका ए है, तो ए क्यूबिक बी का ये आपका स्क्वायर हो गया, माइनस टू ए बी, ए बी आपका क्या है, ए आपका ए क्यूबिक बी, बी आपका एक्स वाई क्यूबिक प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है आपका एक्स वाई क्यूबिक, इनका ये स्क्वायर है, तो इसको हम लोग दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर तीन है, दो बार मल्टी थ्री टू जा सिक्स, बी के स्क्वायर ही रहेंगे, माइनस टू टू ए आपका ए क्यूबिक बी एक्स वाई क्यूबिक, ये आपका एक्स स्क्वायर वाई सिक्स यही रहेगा स्टूडेंट। देखिए ए आपका थ्री है, कोई ए नहीं है, बी भी आपका अकेले है, एक्स भी आपका अकेले, केवल वाई थ्री, तो सेम ही हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर ये थ्री टू या सिक्स, एक्स स्क्वायर वाई टू पावर सिक्स हो गया स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर हम थ्री की बात करें, यूजिंग द आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल्स इवॉल्वेट द फॉलोइंग, इसको इवॉल्वेट करने हैं, फर्स्ट में आपको दिया है 102 का पावर 2 दिया हुआ है, तो 102 का पावर 2 है, तो इसको आइडेंटिटीज में बदलना है, तो 100 प्लस 2 कर देंगे तो 102 हो जाएगा, तो अब ये a हुआ प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह पर क्या है 100 का, 100 का स्क्वायर 2 ए बी, ए आपका क्या है 100, बी आपका 2, बी आपका है 2, तो 100 को दो बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100, टू 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 जा 4, 400 या टू टू जा 4, तो सारे को हम लोग क्या कर देंगे छोड़ देंगे, ये आपका वंस टेंस 100,000 10,000 इसको जोड़ देंगे तो 400, अब इन दोनों को जोड़ दिए 0, 4, 4, 0, 0, 0,
04401। तो स्टूडेंट जो है आज इतना ही रहेगा, हम इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना होमवर्क नोट कर लीजिए, डू एक्सरसाइज 5F क्वेश्चन नंबर 1-3।